हापुड़ जिले पूठा हुसैनपुर गांव में एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला को गोली मार दी। आरोप है कि आरोपी शादीशुदा महिला को घर से भागने को कह रहा था, लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया तब आरोपी ने उसे गोली मार दी। कुछ भी ना, मैंने फैसला नहीं करा हो, 4-5 दिन हुए हैं आज। फिर क्या हुआ? मैं तो किसी से बोल के भी ना जाने ही। किसने मारी है गोली? कौन है वो? किशन का लड़का सागर। किस बात पे मारी थी भैया? कोई पता नहीं, जन के आज सुबह निकाल दिया। एक दिन सांझ को आ गया, 7-7 बजे मेरे घर। मैंने नुक्कर दी, भैया तू मेरे घर आने की जरूरत ना, तू कैसा आया मेरे घर? पहले से खराब है, बदमाश टाइप में है यू। मैंने कहा भैया मेरे घर मत आइए, तू कैसा आया मेरे घर? जन तो भैया यू चैन निकाल। बस फिर मैं 1 महीना हो गया रोटी ना खाई, फिर मैं घर गई, मार गुस्से में कर दिया। अच्छा, आप दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे जी? तो क्या वो उसने मना कर दिया था क्या बाहर जाने के लिए? मना नहीं करा अभी मम्मी ने की। अच्छा, मना कर दिया वास मम्मी ने। अच्छा, कितने साल से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? पहले 4 साल पहले हाँ, लेकिन अभी वो 6 महीने हो गए। अच्छा, बीच में ब्रेकअप हो गया था? हाँ, शादी हो गई। किसकी? उसी की। फिर उसने वहाँ से फोन करा, वहाँ के आदमी ने पूछी। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चैनपुर गांव में एक लड़के ने, जो कथित थे उस महिला का प्रेमी था, उसने उसको गोली मार दी। उसको जो है अपने साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा था, लड़की ने मना किया, लेकिन मना करने पर उसको गोली मार दी। लड़की जो है सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, और ये लड़की का 4 वर्ष पूर्व बुलंदशहर गांव में, बलीपुर गांव में शादी हुई थी, लेकिन ये वहाँ नहीं रह रही थी, अपने मायके में रह रही थी। इस लड़के से इसका संबंध था पिछले 1 वर्ष से, तो इसी वजह से ये इनका समझौता हुआ था अलग अलग रहने का। हालत कैसे लड़की की? लड़की अभी स्टेबल है और उसको रेफर किया जा रहा है दिल्ली के लिए। 23 वर्षीय बरखा पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के पूठा हुसैनपुर में रहती हैं। 4 साल पहले बरखा की शादी बुलंद शहर में हुई थी, लेकिन पति से विवाद के बाद बरखा 1 साल से अपने घर पूठा हुसैनपुर वापस रह रही थी। हापुड़ से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी।